हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिग्निफिकेंस एंड क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस की, तो इसके अंदर किया क्या जाता है, एक वॉल होती है फ्यूटस की जिसको एमनियन बोलते हैं, उसको पास किया जाता है नीडल या फिर सीरिंज के थ्रू, एंड उसमें से एमनियोटिक फ्लूड को विड्रॉ किया जाता है एंड उस एमनियोटिक फ्लूड की स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर ये एक टेक्निक है टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये टेक्निक ये डिटरमाइन कर सकती है सेक्स ऑफ अ डिवेलपिंग बेबी। ठीक है, जो भी डिवेलपिंग बेबी होगा उसका सेक्स क्या है, आइदर मेल है और फीमेल है, और कोई भी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस है जो कि जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, वो है अगर यहाँ पे, तो उसके थ्रू भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी कि जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, उनके नंबर के अंदर, उसको भी यहाँ से डिटरमाइन किया जा सकता है। एंड थर्ड इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है किसी एंजाइम के इनएक्टिव होने की वजह से, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी इस टेक्निक के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, डिटरमाइन किए जा सकते हैं। इसके बाद ये जो टेक्निक है इसको PNDT बोला जाता है, यानी कि ये एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है बिफोर बर्थ। ठीक है, प्रीनेटल यानी बिफोर बर्थ इसको इस टेक्निक से डिटरमाइन किया जाता है, या फिर एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइक सेक्स ऑफ द डिवेलपिंग बेबी, कॉन्जेनाइटल डिजीज या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट होता है, सबसे फर्स्ट लोकेशन ऑफ द फिटस इज डिटरमाइंड। ठीक है, फीटस की लोकेशन डिटरमाइन की जाती है बाय सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी के थ्रू इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये सीरिंज है, नीडल इंसर्ट करवानी है, तो एक्सीडेंटल जो भी डिवेलपिंग फीटस है उसको उसको कोई हार्म ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए पहले इसकी सोनोग्राफी के थ्रू लोकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद सेकेंड, अ फाइन होलो नीडल इज पास थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूट्राइन वॉल। ठीक है, पहले एब्डोमिनल वॉल होती है, देन यूट्राइन वॉल होती है, एंड इन दोनों वॉल से पास किया जाता है एक प्रेग्नेंट फीमेल के इनटू एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर, ये यूट्राइन वॉल होगी सबसे पहले, इसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल होगी, यूट्राइन वॉल होगी, देन यहाँ पे ये एमनियोटिक कैविटी होगी, इसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, पूरी जगह ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या की जाएगी, एक नीडल, ये एक सीरिंज, ये नीडल इंसर्ट की जाएगी। इसके बाद ये जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या किया जाएगा, विथड्रॉ किया जाएगा। तो ये जो जो ये टेक्निक है या फिर ये प्रोसीजर है, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है 14th एंड 15th वीक्स आफ्टर, जब डेवलपिंग बेबी 14th और 15th वीक्स के बाद की ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होता है। इसके बाद ये जो टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है, इसके थ्रू क्या कर लिया जाएगा, इसके अंदर स्मॉल एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ कर लिया जाएगा। एंड विड्रॉ करने के बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, फिटल स्किन सेल्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशली इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फीटल स्किन सेल्स होती हैं, प्रोटीन्स एंड स्पेशली इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको निकाल लिया जाता है, फिर इनको क्या किया जाता है, कल्चर्ड करवाया जाता है, एंड देन इनका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, एंड फर्दर जब एग्जामिनेशन होगा तो हमने देखा था कि ये चीजें इसे डिटरमाइन की जा सकती है, सेक्स ऑफ अ डिवेलपिंग बेबी, कॉन्जेनिटल डिजीजेस या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन सबको क्या किया जा सकता है, एग्जामाइन किया जा सकता है, यानी कि इनके लिए एग्जामाइन किया जा सकता है कि जो भी फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, उसके अंदर ऐसा कोई डिसऑर्डर और डिजीज नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सेक्स डिटरमिनेशन, सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि इसको डिटरमाइन करने के लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन में इसके अंदर क्या किया जाता है, अब इसमें देखा जाता है, जब इस एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया जाता है, तब इसके अंदर देखा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ
सेक्स क्रोमेटिन। सेक्स क्रोमेटिन क्या होता है? बार बॉडी, कि इसके अंदर बार बॉडी है या नहीं है, क्योंकि बार बॉडी किसके अंदर मिलेगी? सिर्फ फीमेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट है, यानी कि डिवेलपिंग बेबी एक फीमेल है। एंड सेकंड, इसके अंदर कंजेनिटल डिजीजेस जो है, जेनेटिक डिजीजेस जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये जो भी सिंड्रोम है ये कैसे, या फिर ये जो कंजेनिटल डिजीजेस है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? ये की जाती है कैरियोटाइपिंग स्टडीज के थ्रू। ठीक है, कैरियोटाइपिंग स्टडीज के थ्रू इसका डिटरमिनेशन होता है। एंड इसके अंदर देखा जाता है कि कोई न्यूमेरिकल चेंजेस नहीं है क्रोमोसोम के अंदर। लाइक नॉर्मल से अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो उसके अंदर कोई कंजेनिटल डिजीज जो प्रेजेंट हो सकती है, जो डाउन सिंड्रोम हो सकती है, टर्नर सिंड्रोम हो सकती है, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकती है। तो इस वे में कैरियोटाइपिंग करके कॉन्जेनाइटल डिजीजेस का पता लगाया जा सकता है। एंड थर्ड वन इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे फिनाइल किटोनोरिया, एलकैप्टनोयूरिया, इन सब जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं इनका भी इस टेक्निक के थ्रू पता लगाया जा सकता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब इसके अगर हम बात करें ड्रॉबैक की, ठीक है, ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट तो इसका जो टाइम पीरियड होता है इस टेक्निक को एग्जामिन करने का, वो होता है 14-15 weeks आफ्टर। एंड ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो भी फीमेल होती है उसको, जो भी अपना डेवलपिंग बेबी है उसको अबॉर्ट करवाने में उसको हम बोल सकते हैं उसको डेंजर होता है। इस वजह से ये जो है ये इसका एक ड्रॉबैक है। सेकेंड, अब इससे जो है सेक्स, जो है सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी से जो सेक्स है, मेल है या फिर फीमेल है डेवलपिंग बेबी, उसका पता लगा जा सकता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर फीमेल है फिर भी वो हेल्दी है तब भी उसको उस फीमेल 40 साइज जिसको बोलते हैं उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो ये हो गया यहाँ पे जो टेक्निक हमने डिस्कस की है, जिसको PNDT यानी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक बोलते हैं, एंड इसका नाम है अमीनोसेंटेसिस। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर? शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। शॉर्ट नोट में हम बता सकते हैं कि किसके लिए यूज की जाती है, क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है, एंड क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या इसके ड्रॉबैक। तो मोस्टली टाइम शॉर्ट नोट्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।